हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम संपूर्ण सार संविधान संशोधन का दूसरा वीडियो देखते हैं। जैसा कि कल आपने पहला वीडियो देखा था, ये उसका दूसरा वीडियो है। अंत में आपको एक वीडियो और मिलेगा और इसी में संपूर्ण सार संविधान संशोधन का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में ज्यादा संशोधन, सर्वाधिक संशोधन 42वें के तहत ही किए गए, इसीलिए इसको अपने आप में मिनी संविधान घोषित कर दिया गया। आइए उसके कुछ बिंदु जानते हैं महत्वपूर्ण जो हमसे पूछे जाते हैं। प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया था, उसी उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें इसके द्वारा तीन नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया और इसे लिया गया था रसिया से 1976 में। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान का हिस्सा 42वें संशोधन के द्वारा ही बनाया गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। यह पहली बार था जब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और कितना किया गया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जो कि राज्य सूची का विषय था, इसे इसी के द्वारा यहां से निकालकर, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में रखने से होगा क्या, अब इस पर नियम कानून दोनों बनाएंगे। दोनों का अर्थ है राज्य सरकार की सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी इस पर नियम कानून अब बना सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, राष्ट्रपति को बाध्यता दे दी गई कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ये बाध्य कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो कमेंट कर सकते हैं, वहां उनका आंसर दे दिया जाएगा। अगला जानते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978। इस समय जनता पार्टी सरकार थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था इसी समय, और इसी समय कई परिवर्तन किए गए। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन को। सबसे पहला कार्य किया जनता पार्टी सरकार ने 44वें संशोधन के द्वारा, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए, उसी को पुनः कम कर दिया गया, 6 से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला पॉइंट, संपत्ति रूपी मूल अधिकार को, अभी तक जो संपत्ति थी हमारी वो हमारा मूल अधिकार था, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कब बनाया गया, 1978 में, और इसे रखा कहां गया, अनुच्छेद 300 का में रखकर संपत्ति रूपी मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम अपनी संपत्ति के आधार पर किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि सरकार हमारी संपत्ति का हनन कर रही है। जैसे यदि सरकार कोई सार्वजनिक कार्य करना चाहती, जैसे सड़क बनाना चाहे, अस्पताल बनाना चाहे, तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया कि सरकार उस समय का वाजिब मुआवजा उसे दे देगा। यह रहा कानूनी अधिकार जो कि मूल अधिकार था। अगला,
आंतरिक अशांति के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपात लगता था। अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर अभी तक राष्ट्रीय आपात लगता था। इसी को जनता पार्टी सरकार ने परिवर्तित कर दिया, और किसने परिवर्तित किया? सशस्त्र विद्रोह में। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि राष्ट्रीय आपात लगाना चाहती है तो उसको आधार बताना होगा कि कहां पर, देश के किस कोने में अस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह शुरू हो गया है। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। इसीलिए जनता पार्टी सरकार ने इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को पुनर्विचार की छूट दी गई। यह कहा गया कि राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वो किसी भी विधेयक को संसद को वापस कर सकता है। जो उसके पास आया हुआ है विधेयक वो विचार के लिए वापस कर सकता है। विचार करिए, इसमें हमको कुछ कमियां दिख रही हैं, लेकिन हमने कहा धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सिर्फ और सिर्फ लोकसभा प्रस्तुत करेगी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपात के समय इसी के द्वारा यह भी संशोधन किया गया कि राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। वही राष्ट्रीय आपात जो 352 के तहत लगता है। 20 में कहा गया कि जैसे गिरफ्तारी होती है, बिना कारण बताए गिरफ्तारी कर ली जाती है, वो नहीं होगा। 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब ये दोनों नहीं समाप्त होगी, बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं सब समाप्त हो जाएंगे। अगला जानते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल अधिनियम लाया गया। ये दल बदल अधिनियम है क्या? अभी तक होता क्या था कि जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो उसके सदस्य होते थे, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे विधानसभा सदस्य हो, अगर उनको मन मुताबिक पद नहीं मिलता था तो एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। तो इससे राजनीतिक पार्टी कमजोर पड़ जाती थी, जो सत्ता में होती थी वो पार्टी गिर जाती थी, और चुनाव आयोग को, सरकार को बहुत सारा मद खर्च करना पड़ता था अगले चुनाव के लिए। इसीलिए नियम बना दिया गया, इसको एक अधिनियम बना दिया गया कि अब यदि कोई सदस्य किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। अगर वो सांसद है, अगर वो विधायक है, जैसे पहले था चुनाव के पहले, वैसे फिर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक परंतु जोड़ा गया। परंतु क्या जोड़ा गया? यदि किसी पार्टी से 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसे दल परिवर्तन कहा जाएगा, तब किसी की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें गोवा, जो कि अभी तक भारत का केंद्र शासित प्रदेश था, उसे भारत का 25वां राज्य घोषित कर दिया गया। 61वां 1989, इसके द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात जब भारत आजाद हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय से लेकर 1989 तक मतदान की आयु 21 वर्ष ही रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां 1990, इसके द्वारा SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, और किस अनुच्छेद की मदद ली गई? अनुच्छेद 338 की मदद लेते हुए SC/ST आयोग के गठन किया गया। 69वां 1991, दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां 1992, इसके द्वारा
दिल्ली और पुदुचेरी अर्थात जो पांडिचेरी है, दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने की अनुमति दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा थी, लेकिन आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग किया गया तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन हो चुका है। तो अब 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभा का गठन हुआ है 71वां 1992। इसके द्वारा आठवीं अनुसूची में नेपाली मणिपुरी और कोंकणी तीन भाषाएं जोड़ी गई। अभी आपको बताया गया था कि सिंधी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, तो ये 16वीं 17वीं 18वीं तीन भाषाएं जोड़ी गई। इसको याद करने के लिए अगर ट्रिक जाने हम तो ट्रिक बनती है नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। 73वां 1992 इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। 74वां 1993 इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का गठन किया गया। 84वां 2001 इसके द्वारा यह कहा गया कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये वही सीटें हैं जो 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, अर्थात 2026 तक सीटों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, अर्थात अगर वो 545 हैं तो 545 ही रहेंगी। थैंक यू। आप वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी वीडियो पढ़ता है उसको अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मैटर और कंटेंट अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा। जितने भी YouTube चैनल हैं अगर आप देखेंगे तो वहाँ से बेटर मैटर आपको मिलेगा। थैंक यू।